Now the question is an n digit number is a positive number with exactly n digits. 900 distinct n digit numbers are to be formed using only the 3 digits 2, 5 and 7. Find the smallest value of n for which this is possible. Okay. बच्चों कह क्या रहे हैं, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं. अगर बैकग्राउंड समझ लेंगे तो सॉल्यूशन समझने में बड़ी आसानी होगी हम लोगों को. बात समझ में आती है? बैकग्राउंड क्या है? यूं कह रहे हैं ये एन डिजिट नंबर्स हैं और वो एन ही निकालना है. यानी जितने डिजिट का नंबर बन रहा है वो डिजिट कितनी है वो निकालनी है बस. ठीक है, तो एन डिजिट कितनी हो सकती है? एन तो वन भी हो सकती है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एन इक्वल टू वन होता, एन इक्वल टू वन होता तो इससे कितने नंबर बन सकते थे? मेरे पास ऑप्शन है 2, 5 और 7. तो अगर एक ही डिजिट होती तो मैं इनमें से कोई एक ही चूज करता. तो क्या लगाता? 3 में से किसी एक को चूज करने का तरीका. 3 में से कोई एक चूज करूंगा तो कितने ऑप्शन आएंगे मेरे पास? 3 आएंगे. तो यहां पर अगर एन डिजिट यानी एन इक्वल टू वन होता तो ये कितने नंबर बनते मेरे पास? 3 बनते. क्या बात समझ में आती है? ओके, बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा. अगर एन डिजिट मेरे पास 2 होती, 2 डिजिट होती, तो हर 2 पे कितने ऑप्शन थे मेरे पास? हर 2 पर, याद रखिए इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो वी विल अलाउ द रिपीटेशन. ओके, तो यहां पर कितने ऑप्शन आ सकते हैं? 3. और यहां पर कितने ऑप्शन आ सकते हैं? 3. क्या बात समझ में आ गई? तो 3 यहां के और 3 यहां के, 6 नहीं हुआ बच्चों? 3 × 3, तो नंबर कितना बनता? नंबर कितने बन जाते हैं डिस्टिंक्ट नंबर? 9 बन जाते. क्या बात क्लियर है? अगर n इक्वल टू यहां 2 था, अगर n इक्वल टू 3 होता यानी 3 डिजिट होती तो यहां पर ऑप्शन कितने? 3. यहां पर ऑप्शन कितने? 3. यहां पर ऑप्शन कितने? 3. क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर है. क्या बात समझ में आई? तो मेरे पास क्या बनता, कितने नंबर बनते? 3 की पावर 3. बात समझ में? ये 3 इसकी वजह से और ये वाला 3 इसकी वजह से. ओके, तो मेरे पास ऐसे कितने नंबर हैं? मेरे पास एन डिजिट्स हैं. तो मैं एन डिजिट्स बना लूं तो यहां पर डॉट लगा के एन डिजिट, तो मेरे पास टोटल नंबर कितने बनेंगे? ध्यान से सुनिए, यहां पर ऑप्शन मेरे पास 3 अवेलेबल है, यहां पर भी 3 अवेलेबल है, यहां पर भी 3 अवेलेबल है, यहां पर भी 3, और ऐसे करके एन जगह 3 ऑप्शन अवेलेबल है. क्या बात क्लियर? तो टोटल नंबर कितने फॉर्म होंगे अगर एन डिजिट हो जाए तो? टोटल नंबर कितने फॉर्म होंगे बच्चों? टोटल नंबर विल बी फॉर्म्ड एज 3 की पावर n. और यूं कह रहे हैं ये जो 3 की पावर n है ये एटलीस्ट 900 बन जाए. तो हमने क्या देखा? जब एक डिजिट थी तो 3 नंबर बन रहे थे, 2 डिजिट थी तो 9 बन रहे थे, 3 डिजिट थी तो कितने बन रहे थे? 27 बन रहे थे. तो जैसे जैसे डिजिट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि 3 की पावर, यही लिखता हूं, 3 की पावर 6 किसके बराबर होता है? 3 की पावर 6 बराबर होता है 729 के. किसके बराबर होता है? 729 के. और 3 की पावर 7 किसके बराबर होता है? 3 की पावर 7 बराबर होता है, इसको हम 300 और मल्टीप्लाई कर दें. क्या बात समझ में आई? कितना आएगा? 2187. क्या बात क्लियर है? 2187 आ गया. 3 को इसमें 3 × 27 2 बचा, 3 × 2 = 6 और 2 = 8 और 3 × 7 = 21. तो जब 7 डिजिट होंगी तो इन तीनों से मिला के कितने नंबर बनेंगे? इतने बनेंगे. और जब 6 डिजिट होंगी तो इन तीनों नंबर को मिला के कितने बनेंगे? इतने नंबर बनेंगे. हमको दे रखा है 900. हमको क्या दे रखा है? 900. तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? दिस वन. तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7. क्या बात समझ में आ गई? एंड दिस इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, नोट कर लीजिए बच्चों इसको.